नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, ठीक है, जियोग्राफी का। जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दिया वैगनर का सिद्धांत। वैगनर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे होम्स का सिद्धांत। दो सिद्धांत पूछे आते हैं यहाँ से, मगर वैगनर का बहुत पूछा आता है, होम्स का कभी कभी पूछा आता है, ठीक है। तो होम्स का भी सिद्धांत हम देख लेते हैं, मगर वैगनर का आपको मिस तो करना ही नहीं है। वैगनर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो देखने वाले होम्स का देखने वाले, वैगनर वाला पहले देख रखा है, नहीं देखा है आपने, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। और जिस किसी को नोट्स चाहिए, जिस किसी व्यक्ति को, भाई भाइयों को नोट्स चाहिए, तो नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर www.paperhacker.in हमारी साइट है, वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। किसी का भी BSc BA आप कंपटीशन करते हो, वहाँ के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारी बुकें आपको अवेलेबल हैं, चाहे लूसेंट की लो, चाहे आपकी किसी की भी लो, ठीक है। करंट अफेयर भी मंथली आपको वहाँ देखने को मिलती है, सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री में बुक पढ़िएगा, ठीक है। BEd है, BSc है, BCom है, MCom है, सभी की बुक क्या होती है, बिल्कुल फ्री वहां पर नोट्स आपको दिए जाते हैं। और जो भाई इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो आपको परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चन है। देखो, वैगनर वाला तो हमने देख लिया, वैगनर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत तो बहुत हमने देख लिया। आज हम क्या देखेंगे, होम्स वाला देखेंगे, ठीक है। होम्स वाला सिद्धांत देखने वाले, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैगनर वाला है, तो वैगनर वाला तो बहुत अच्छे प्रकार से मैंने पढ़ा दिया, आज देखेंगे होम्स वाला। तो महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी होम्स का जो सिद्धांत है उसको यहां पर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आएगा, बस होम्स का पढ़ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले, देखो, चाहे आप वैगनर का पढ़ाइएगा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, चाहे आप पढ़ाइएगा होम्स का, दोनों में थ्योरी यहां तक तो आपको लिखनी पड़ेगी। पहली थ्योरी है वो तो आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि पहली थ्योरी रखी है तो पहले क्या डालेंगे, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, पहली हेडिंग हमारी उसी की तरह पड़ेगी जो हमारी बैकग्राउंड में पड़ी थी, ठीक है। हेडिंग डाल दी, उसके बाद लिखेंगे पृथ्वी का निर्माण जल और थल के संयोग से हुआ है। किससे हुआ है भाई, जल और थल के संयोग से हुआ है। इन्हें महासागर, जल वालों के लिए महासागर कहेंगे, और जो स्थल वाला है उसे क्या कहेंगे, महाद्वीप कहते हैं। जो सैलिस जो हुआते हैं, सैलिस बरी हैं, नाम याद ना रखे तो लिख देना विद्वान के अनुसार, क्या विद्वान के अनुसार भू आकृतियों के उच्चावच को तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के उच्चावच में सबसे बड़े आकार वाले महाद्वीप एवं महासागर आते हैं, जिनका जो कुल क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भाई, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना होता है। इसमें 71% क्या होता है, 71% जो भाग होता है महासागर का, और जो 29% भाग होता है वो किसका होता है, महाद्वीप का होता है, जो कि हमारी पृथ्वी के अनुसार है। पृथ्वी पर जो सागर की बात करते हैं, महासागर की, वो कितना है, 71%, और जो हमारा भूमि का स्थल है वो कितना है, 29%, वो अब भी आपको पता ही होगी, ठीक है। महाद्वीप का विस्तार है, पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति भी विवादास्मक है। इसकी भी उत्पत्ति कैसी है, विवादास्मक है, कन्फर्म नहीं हो पाया है। बात करते हैं इस संबंध में अनेक विद्वानों के अनेक मत एवं विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन विस्तार से इन सिद्धांतों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, तो आपको दो वर्ग याद करना है, अन्य वाले छोड़ देना है, ठीक है, जैसे आपके हमने वैगनर वाले में देखे थे। तो बात करते हैं पृथ्वी के संकुचन संबंधी सिद्धांत। संकुचन मतलब इकट्ठा हुई होगी, तो महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ होगा। एक तो हमारा सिद्धांत ये हो जाता है, इसके तीन सिद्धांत हैं, तीनों की तीनों आपको याद करना है, और तीन हो जाते हैं विस्थापन संबंधी सिद्धांत, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं पृथ्वी के संकुचन संबंधी सिद्धांत, मतलब इकट्ठी जब होगी, संकुचित होगी, सुकड़ेगी, तब कौन से सिद्धांत, किस किसने सिद्धांत दिए थे, तो ये दिए थे अपने लोथियन ग्रीन और चतुष्फलन सिद्धांत दिया था, ठीक है। सेकेंड हो जाता है अपना किसका सिद्धांत, लैप बर्थ एवं लब का सिद्धांत था, और थर्ड हो जाता है जेफरे का तापीय संकुचन सिद्धांत। संकुचन छिपा हुआ है तो संकुचन वाले संबंधित हो ही जाएगा, ठीक है। तीनों की तीनों याद करना पड़ेंगे, MCQ क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, अब देखेंगे सेकंड महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन के संबंधित कौन कौन सिद्धांत दिए गए। तो पहला हो जाता है वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया बिल्कुल डिटेल में, क्वेश्चन पूछेगा यहां से आपके एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट, टेलर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत याद करना पड़ेगा, और होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, जिसको हम आज देखने वाले हैं, आज हम किसको देखने वाले हैं, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत को यहां पर देखने वाले हैं। और अन्य को छोड़ दीजिएगा, बस 6 ही आपको याद करना है, 3 ये याद कर लेना संकुचन वाले, और 3 कर लेना विस्थापन वाले, ये आपको लिखना पड़ेंगे। दो दो तो कंटिन्यू लिखना ही पड़ेंगे, अगर थ्योरी वाइज लिखोगे तो MCQ में सभी बन सकते हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं, तो अब सीधे पढ़ेंगे कहां पर, होम्स वाले पर, क्योंकि हमने क्या देख लिया, ये वाला वैगनर का है, वैगनर का हमने देख लिया था, ठीक है, वैगनर का हमने देख लिया था। अब हम किसको देखेंगे, होम्स का सिद्धांत देखेंगे, यहां से होम्स का सिद्धांत आता है स्टार्ट, ठीक है भाई।
होम्स के सिद्धांत को यहां से देखने वाले हैं। तो होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, हेडिंग क्या डाल दी हमने, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत हमारी हेडिंग पड़ गई। अब बात करते हैं होम्स महोदय ने 1928 में भूगर्भ में होने वाली रेडियो धर्मिता के आधार पर अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको संवहन धारा सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इसके आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियो धर्मिता के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहते हैं, संवहन धारा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं होम्स महोदय के अनुसार पृथ्वी के भूगर्भ में रेडियो धर्मिता के तत्व, यूरेनियम थोरियम पोटेशियम भाई, रेडियो धर्मिता के तत्व के विखंडन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुई क्या, ताप उत्पन्न हुआ। विखंडन होगा भाई, ताप उत्पन्न होगा, है ना, यूरेनियम पोटेशियम थोरियम के अनुसार, बिल्कुल। तो बात करते हैं बड़ी मात्रा में ताप उत्पन्न होता है जिसके कारण अध स्तर जो होता है में संवहन धाराएं चलने लगती हैं। जो अध स्तर होता है उसमें क्या होती है, संवहन धाराएं चलने लगती हैं, परंतु ये संवहन धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्याल परत की अधिक मोटाई, स्याल परत की क्या होती है, अधिक मोटाई तथा ताप एकत्रित के कारण नीचे से ऊपर की ओर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर चलने लगती हैं। किसके कारण, जो स्याल परत है वो मोटी होने के कारण, अधिक मोटी होने के कारण, जो अधिक मोटी होने के कारण कहाँ पहुंच गए थे, हाँ वहां पर मोटी होने एवं ताप एकत्रित के कारण नीचे से ऊपर की ओर तथा ध्रुवीय जो होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलने लगती हैं। इसी प्रकार अधस्तर के स्याल परत के मध्य भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से, कहां से, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों को अधो स्तरीय धाराएं क्षैतिज अवस्था तथा क्षैतिज अवस्था जो होती है उसमें चलना प्रारंभ कर देती हैं। परिणामतः महाद्वीपियों के मध्य, यहां पर देखने रहा, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, महाद्वीपियों के मध्य आंतरिक परत में दबाव एवं संपीड़न के कारण, किसके कारण, दबाव और संपीड़न के कारण स्याल परत के मध्य के भाग धीरे धीरे पतले होकर क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, साथ ही पृथ्वी के आधार स्तर में एकत्रित ऊष्मा खंडित होकर बाहर निकल जाती है, क्या होती है, खंडित होकर बाहर निकल जाती है तथा महासागर का उथाल, सॉरी महासागर का उथला एवं संकरा भाग जन्म लेता है। महासागर का उथला एवं संकरा भाग क्या करता है, जन्म लेता है। इस कारण महाद्वीप दो भागों में खंडित हो जाते हैं, ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं वो दो भागों में खंडित हो जाते हैं, ये महाद्वीप एवं महासागरों का जन्म एवं विकास होता है। इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का जन्म एवं विकास होने लगा, ठीक है भाई। फिर देखा है संपीड़न के कारण उथले सागरों के जमा जो होता है तलछट पर दबाव में से महाद्वीपों के जो नग्न तटों पर क्या हुआ, मोड़दार पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ, कहां पर, ये उथले महासागरों में, उथले महासागरों में क्या हुआ, यहां पर मोड़दार पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ, ठीक है, विकास हुआ। इस प्रकार संवहन धाराओं के कारण महाद्वीप व महासागरों और मूलधार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। बस सिद्धांत के पक्ष में विपक्ष में कुछ विचार निम्न प्रकार से दे रखे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, नीचे से ऊपर की ओर और ध्रुवों के ऊपर ऊपर से नीचे की ओर हुआ, जो स्याल परत थी वो भाई घिसने लगी और फिर टूट गई, इस कारण क्या हुआ, ताप निकला और किसका निर्माण हुआ, महाद्वीप और महासागरों का विकास हुआ। और जो हमारे उथले सागर थे उनसे किसका निर्माण हुआ, महासागर और मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। बस इतना दे रखा है इसमें, होम्स वाले में भी कुछ नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं पश्चिमी विचार, पश्चिमी विचार कौन कौन से, हेडिंग में डाल दी जो होम्स के पश्चिमी विचार दिए गए थे, तो वो हो जाता है अपना कौन सा, पहलो जो एक युग, युग मैंने पढ़ा रखे हैं, नहीं देखे देख लेना। तो बात करते हैं पहलो युग, युग के अंतिम भाग में पृथ्वी पर उत्तर से कौन सा, लारेसिया तथा दक्षिण में गोंडवाना, दो प्रमुख स्थल भाग में मध्य कौन था, टिचिद सागर स्थित है। इन दोनों विशाल भूखंडों के मध्य भाग में उत्पन्न संवहन धाराओं के कारण दो महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, किस किसकी, मध्य में कौन है, टिचिद, और इससे किस किसकी हुई है, लार, और जो कौन सा है यहां पर, लारेसिया है और गोंडवाना, याद रहेगा ना, बीच में कौन, टिचिद, इससे पहलो जो एक युग में दो किसकी, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, मध्य में टिथिज और किसकी हुई, लारेसिया की हुई, और हुई किसकी, दक्षिणी गोंडवाना की, दो महाद्वीप हो गए, इनकी उत्पत्ति हुई है। एक हेडिंग हमें याद करना पड़ेगी, सेकंड देखो, कम से कम चार तो आपको लिखनी पड़ेंगी, चार ही दे रखी हैं,
वो बनाकर भी एक आध बना देना, ठीक है, अगर ना बने तो। तो बात करते हैं हिंद महासागर की उत्पत्ति गोंडवाना के विखंडन तथा पश्चिमी पूर्व की ओर दो स्थल खंडों के सकने से हुई है। किसकी? हिंद महासागर की उत्पत्ति। किसकी? हिंद महासागर की उत्पत्ति किससे? गोंडवाना के विखंडन तथा पश्चिम पूर्व की ओर के स्थल को खंडों में खिसकने से हुई है। किसकी? हिंद महासागर की उत्पत्ति। एक हेडिंग बन जाती है ये, उत्तर पश्चिम सॉरी उत्तर दक्षिण की ओर दो अन्य स्थल खंड खिसके। बात करते हैं तीसरा हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के विखंडन से बंगाल की खाड़ी का जन्म हुआ। किससे हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के विखंडन से। भारतीय उपमहाद्वीप बड़ा महाद्वीप के विखंडन से किसका निर्माण हुआ? बंगाल की खाड़ी का। याद रहेगा ये तो, आराम से याद कर लोगे। बात करते हैं चौथा, अंध महासागर की उत्पत्ति किससे हुई? लॉरेशिया के विखंडन तथा एक भाग के पश्चिम की ओर खिसकने से हुई है। किसकी? अंध महासागर की उत्पत्ति लॉरेशिया से। याद रहेगा विखंडन से, खिसकने से हुई है, काम खत्म। जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के विद्वान है सॉरी महाद्वीप बने, जो किस बने? उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप बने। ठीक है भाई, तो आराम से याद कर सकते हो, तीन से चार आराम से लिख देना। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा, मेरा काम है पढ़ाना। किस प्रकार से याद करना पड़ेगा आपके लिए? ठीक है, किस प्रकार से याद किया जाए? याद आपको करना पड़ेगा। पढ़ा तो दिया मैंने सारा की सारा, बस आपको याद कितना करना पड़ा भाई? अंध महासागर, अंध महासागर उत्पत्ति किससे हुई? लॉरेशिया के विखंडन से, काम खत्म। ठीक है भाई, और देखो यहाँ पर तीसरा क्या देखा था, उपमहाद्वीप बड़ा महाद्वीप। अब भैया कोई बड़ा ही महाद्वीप तो होगा, फटेगा तो किसकी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। बीच में कौन आ गई? बंगाल की खाड़ी का विकास हो गया। याद हो गया ना, आराम से इजी दे रखे, आराम से याद कर सकते। जैसे कि हिंद महासागर की उत्पत्ति किससे हुई? तो गोंडवानलैंड के विखंडन से हुई, लिख सकते हो हेडिंग। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, याद हो गए ना सारे के सारे। अब बात करते हैं विपक्ष में विचार। अब विपक्ष में विचार कौन कौन से आए थे? इस सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार हुई, आलोचना बहुत सारी हुई। बात करते हैं पहली होती पृथ्वी के आंतरिक भाग का संवहन धाराएं तथा स्याल भूखंडों का टूटना आदि कैसा है भाई? कल्पनात्मक अधिक है वैज्ञानिक तो भैया बहुत कम लगता है ये, कि ऐसे टूटने लगेंगे तो हो गया काम, है ना? तो ये तो एक हो जाती है हमारी आलोचना ये वाली। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं सेकंड वाले की, जो सियाल परत है वो कितनी अंदर है पृथ्वी के? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो बात करते हैं 50 मीटर है 50 किलोमीटर ध्यान नहीं रहा मुझे, आगे देखिएगा। सेकंड वाला, गोंडवाना स्थल खंड पर उगने वाली तात्कालिक जो वनस्पतियां हैं, जैसे अपना होता हो जाती है कौन सी? ग्लोलोबिट्रिस, साइबेरिया के क्षेत्रों में भी पाई जा कहा रखा है क्षेत्रों में भी उगी पाई, जो इस विचार के प्रतिकूल है। लिख सकते हो ठीक है, कि जो ग्लोबेसिया है वो भी और भी कहीं पाई गई, तो इसलिए ये गोंडवाना स्थल जो है एक प्रकार से उससे नहीं हुआ है। बात करते हैं थर्ड वाले का, होम्स महोदय द्वारा यह माना जाता है कि मध्यपिंड भू अभिनतियां तथा भूभ्रंश घाटियां आदि की उत्पत्ति इसी सिद्धांत के अनुरूप हुई है, जो अधिक उपयुक्त नहीं है। इससे भी घाटियों का निर्माण न हुआ है, बना कर लिख सकते हो भाई, है ना? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फिर भी। आगे देखिएगा फोर वाले की बात करते हैं, अंत स्तर में उत्पन्न इन संवहन धाराओं द्वारा इन विशाल भूखंडों को किसमें विखंडित कर दूर दूर ले जाने का प्राय संभव प्रतीत नहीं होता है। एक बात बताइएगा, अगर इस प्रकार से सियाल पर टूटी तो इतनी दूर दूर क्यों पहुंच गए, है ना? तो यह भी एक संभव नहीं है। बात करते हैं फोर वाला, संवहन धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में स्वयं होम्स, जो स्वयं होम्स ही हैं, वो प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। संवहन धाराओं की उत्पत्ति, संवहन धाराओं की उत्पत्ति हुई कैसे, यही वह नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बारे में सही प्रमाण नहीं दे सके, तो ये किनकी त्रुटि? ये हो जाती है। तो चार चार त्रुटि लिखनी होती है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आराम से हमने देख लिया ना, इसको देख लिया ना होम्स वाले को। क्या था होम्स वाले में? कुछ नहीं था, पृथ्वी है, बहुत बड़ा महाद्वीप था। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? जो इसमें रेडियो तत्व थे, यूरेनियम थोरियम पोटेशियम, ठीक है, ये क्या हुए? तहापिन ने विखंडन किया कहाँ से? नीचे, सियाल से नीचे। सियाल की परत बहुत मोटी थी, इसलिए टूटने में क्या हुआ, जो नीचे से ओर थे वो ऊपर की ओर, और ऊपर से थे नीचे की ओर आने लगे, और जहाँ पर इकट्ठा ताप हुआ वहीं पर फट गया। ठीक है,
वहां पर सियाल घिस गई और टूट गई, मतलब फट गई, और वहीं पर क्या हुआ, महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ। जो उथले महासागर थे उनसे किसका, पर्वत घाटियों का निर्माण हुआ। बस यही बताया उन्होंने, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं दे रखा, आराम से आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नहीं किया है नोट्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में रखा है लिंक, यहाँ पे www.paperhacker.in हमारी साइट पर जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत।